बारिश बनेगी भारत के सेमीफाइनल के रास्ते में बड़ी दरार। रद्द हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला। एडिलेड में मौसम का क्या है हाल, और अगर बारिश के चलते नहीं हुआ मुकाबला तो किस तरह से रहने वाला है भारत का सेमीफाइनल तक का सफर। इन सभी जवाबों का उत्तर देंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप। हम सबने देखा बीते दिन साउथ अफ्रीका ने भारतीय क्रिकेट टीम के विजय रथ पर रोक लगाई, जहां पर भारत को उनकी वर्ल्ड कप की पहली हार उनके हाथों में थमाई, जिसके चलते अभी भारतीय क्रिकेट टीम पॉइंट टेबल पे नंबर 2 की पोजीशन पे मौजूद है 4 अंकों के साथ। और जहां भारत का अगला मुकाबला खेला जाने वाला है बांग्लादेश के सामने, वो टीम भी अभी बिल्कुल भारत के साथ नंबर 3 की पोजीशन पे मौजूद है, जहां उन्होंने भी 2 मुकाबले जीते हैं और 4 अंक है इस समय बांग्लादेश के पास। भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में जाने की जो उम्मीदें हैं वो काफी हद तक टिकी हुई है बांग्लादेश वाले मुकाबले पर। और अगर भारत कहीं वो मुकाबला हारता है या वो मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो जाता है तो भारतीय क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में जाने के जो चांसेस हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए एडिलेड में मौसम का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि एडिलेड का मैदान विराट कोहली का सबसे मन पसंदीदा मैदान है। यहाँ पर इससे पहले विराट कोहली ने एकमात्र T20 मुकाबला खेला है, जहां उन्होंने 90 रन बनाए थे और अंत तक नाबाद रहे थे वहां पर किंग कोहली। अगर कल मुकाबला होता है तो वहां पे जरूर हमें देखने को मिल सकती है किंग कोहली की बल्ले के साथ बादशाहत। लेकिन अगर आप बातचीत कर ली जाए एडिलेड के मौसम के हाल की, तो भारतीय समय के अनुसार वो मुकाबला शुरू होना है 2:30 PM, और एडिलेड का समय जो भारत से 5 घंटे आगे है वहां पे होगा वो लोकल टाइम 6:30 PM का। और अगर weather.com की बात मानी जाए 7 से 10 PM तक एडिलेड में लगभग 30-50% बारिश के आसार है, जिसके चलते रुक रुक के बारिश होगी। और अगर उस समय के दौरान बारिश होती है तो ये कहना शायद गलत नहीं है वो मुकाबला रद्द भी हो सकता है या फिर हमें कुछ ओवर्स की कटौती भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कल का मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो जाएगा तो दोनों टीमों को, इंडिया और बांग्लादेश दोनों को, एक एक अंक दे दिया जाएगा। जहां उन दोनों टीमों के 4 मुकाबले खेलने के बाद हो जाते हैं 5 अंक, तो भारत को अपना अगला मुकाबला खेलना है 6 तारीख को जिम्बाब्वे के सामने, और उसी दिन बांग्लादेश भिड़ेगा पाकिस्तान के सामने। यहां से ये बड़ी देखने योग्य बात होगी, अगर बांग्लादेश उस दिन पाकिस्तान के सामने जीत गया और भारत जिम्बाब्वे के सामने जीत गया तो दोनों टीमों के 7-7 अंक हो जाएंगे, जिसके चलते इंडिया चाहेगा कि उनकी नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर हो। हालांकि इस समय पॉजिटिव बात भारत के हक में ये भी है कि अभी के लिए भारत की नेट रन रेट +0.8 की है, जबकि बांग्लादेश का नेट रन रेट -1 से भी ज्यादा है, जो बताता है कि अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो भारत को जिम्बाब्वे के सामने सिर्फ अपना मुकाबला जीतना है, वो भी थोड़े अच्छे मार्जिन से, जिसके चलते फिर भारत की टीम नंबर 2 की पोजीशन पे मौजूद होती है। बशर्त ये भी है कि पाकिस्तान अपना मुकाबला साउथ अफ्रीका के सामने हारे। अगर ये सभी चीजें भारत के हक में जाती हैं और अगले मुकाबले यानी कि 6 नवंबर के बाद भारत का नेट रन रेट बांग्लादेश से अच्छा होता है तो भारत बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। लेकिन फिलहाल हमारी उम्मीदें यही हैं कि हमें ना देखने को मिले ओवल में बारिश जब भारत का मुकाबला होगा बांग्लादेश के सामने, ताकि भारत वो मुकाबला आसानी से जीते और सेमीफाइनल में पहुंचने के अपने चांसेस को और ज्यादा प्रबल कर ले। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर कल मुकाबला होता है भारत और बांग्लादेश का तो कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।